गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आज के दिन भी पंछियों ने अपना दाना पूरा ख़त्म नहीं किया है, पानी ख़त्म हो गया है, तो हम लोग पानी इनके लिए भर देते हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसा कि नवरात्रि स्पेशल नवरात्रि आने वाला है, संडे के दिन से नवरात्रि चालू होने वाला है, तो मैंने दो चैलेंजेस सेट किए हुए हैं। पहला चैलेंज ये कि पूरे 10 दिनों तक मैं किसी भी तरह का चप्पल जूता घर के अंदर या घर के बाहर इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। पूरे 10 दिन मैं नंगे पांव रहने वाला हूँ। और सेकंड चैलेंज, जो कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, 10 दिनों तक रोज़ाना सवेरे 3 बजे उठना, नहा धोकर पूजा पाठ करना और फिर अपनी डेली की एक्टिविटी करना, क्योंकि ये सबसे मुश्किल दिन होता है। आज तक मैंने एक बार ट्राई किया था तो लगातार 3 दिन तक उठा था, उससे ज़्यादा नहीं उठा था। लेकिन इस बार माता रानी की अगर कृपा हुई तो पूरे 10 दिनों तक सवेरे 3 बजे उठूँगा और नहा धोकर पूजा पाठ करूँगा। देखिए ये जो पंछी उड़ते रहते हैं, आपको दिखाता हूँ, पता नहीं ये लोग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए शॉर्ट्स बनाने के लिए। पहले मैं 5, 10 या 15 सेकंड के शॉर्ट्स बनाता था, लेकिन YouTube की तरफ से एक मेल आया है कि प्लीज़ शॉर्ट्स आप मिनिमम 59 सेकंड्स के बनाइए और लॉन्ग वीडियो कम से कम 2 मिनट के ऊपर बनाइए। तो फिर मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए, गौतम शुक्ला एंड यूनिवर्स चैनल के लिए शॉर्ट्स बनाने के लिए। आज एक्चुअली मैं तुम्हारी मस्ती की वजह से तुमको मॉनिटर बना दिया गया, तुमको मालूम है। हाँ, लोगों को मस्ती की वजह से क्लास से बाहर निकालते हैं, लेकिन इस काला कांडी बच्चे को मस्ती की वजह से मॉनिटर बना दिया गया है। तो दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि स्कूल में मस्ती करने के लिए या फालतूगरी करने के लिए बच्चों को पनिशमेंट किया जाता है, लेकिन हमारे काला कांडी बच्चा प्रताप ने क्लास में इतनी ज़्यादा मस्ती की है कि इसकी वजह से क्लास के सारे बच्चे इससे डरते हैं। तो टीचर ने, और क्लास के सारे बच्चे टीचर की बात नहीं मान रहे थे, तो टीचर ने बच्चों को सबक सिखाने के लिए प्रताप को मॉनिटर बना दिया है। तो प्रताप, तुमको मॉनिटर बन के कैसा लग रहा है और तुमको कैसे मॉनिटर बनाया, ज़रा तुम बताओ। मेरे को मॉनिटर बनाया हिट अंकल लाने आराम में, ये सबको मार मार के और कभी कभी ऐसे करके सुला रहा था। अच्छा, तो उन लोग में डर गए। अच्छा, तुमको टीचर ने मॉनिटर क्यों बनाया? क्योंकि उनसे कोई डरता नहीं है, इसलिए मैं। टीचर से कोई डरता नहीं है, तुमसे डरते हैं, मतलब तुम क्लास में सबसे लड़ाई झगड़ा करते हो। चलो, तुम मॉनिटर बन गए तो एक अच्छा चीज़ करना, पढ़ाई करना अच्छे से, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और किसी को फालतू में मारना नहीं, ठीक है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन मॉनिटर बनने के लिए, ओके। अभी मैं कल के वीडियो की एडिटिंग करने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे स्कूल के टाइम का दोस्त, जो कि आज भी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो कि हमेशा मेरी बहुत मदद करता है, उसका फ़ोन आया, जी महाराज की रथ यात्रा निकल रही है तो उसमें मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। तो जाकर वहाँ पर वीडियो बनाते, देखते हैं क्या होता है। जवान लोग आओ, अरे बाबा किंग चौक में लगाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामन की आरती मना रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निमित्त आयोजित शौर्य जागरण यात्रा शिवनेरीकर थिएटर 3 सप्टेंबरला चालू झालेली ही यात्रा आपल्या येरवडा जिल्ह्यात 12 ऑक्टोबरला येते. उद्या वर्धा जिल्हा असणार आहे. फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. गुड नाइट.